गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आई एम गोपी कुमार श्रीवास्तव एंड दिस इज सेकेंड वीडियो ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन कि कितनी तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं तो आप देख सकते हैं सब्सिडीज टू द प्रोडूसर शुड बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर पेमेंट डिफेंस और रिफ्यूट द गिवेन स्टेटमेंट विद द वैलिड रीजन यहाँ पर यह कहा जा रहा है जो गोरमेंट है वो ट्रांसफर पेमेंट कर रहा है जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ देखिए एक होता है गवर्नमेंट एक होता है फॉर्म और एक होता है हाउस होल्ड हाउस होल्ड हम लोग कहलाते हैं फॉर्म मतलब इंडस्ट्री कहलाता है फॉर्म क्या है तो टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को और हाउस होल्ड में मतलब हम लोग भी क्या करते हैं टैक्स पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट टैक्स के बदले मतलब हमें क्या देता है तो फॉर्म को ये सब्सिडी देता है मतलब टैक्स में थोड़ा सा छूट देता है अगर दस टैक्स दिया तो दो रुपये छूट दे दिया उसी प्रकार से हाउस uh, होल्ड को सब्सिडी नहीं देता है उसको ट्रांसफर पेमेंट देता है ट्रांसफर पेमेंट का मतलब यहाँ पे हो गया जैसे ओल्ड एज पेंशन दे दिया ये रिटायरमेंट पेंशन दे दिया या स्कॉलरशिप दे दिया रिटायरमेंट पेंशन तो नहीं देगा पर हाँ ओल्ड एज पेंशन देगा और यहाँ पे आपके स्कॉलरशिप अगर देता है हॉसिल को तो वो ट्रांसफर पेमेंट कराता है देखिए दो तरह का पेमेंट होता है एक होता है फैक्टर पेमेंट और एक होता है ट्रांसफर पेमेंट फैक्टर पेमेंट हमेशा जो है रिटायरमेंट पेंशन होता है ट्रांसफर पेमेंट जो होता है ओल्ड एज पेंशन होता है दोनों में अंतर यह है कि फैक्टर पेमेंट हमेशा जब आप किसी चीज़ में किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं जब आप किसी तरह का एक्टिविटी करते हैं जब कभी आप प्रोडक्शन करते हैं गुड एंड सर्विस का तब उस पर जो आपको चीज़ें मिलता है तो वो फैक्टर इनकम कहलाता है या फैक्टर पेमेंट कहलाता है और यहीं आप कुछ नहीं करते हैं जैसे गवर्नमेंट के लिए तो आप कुछ करते नहीं आप बूढ़ा हो जाने के बाद आपको गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन देता है या स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देता है तो गवर्नमेंट उसके बदले में कुछ लेता नहीं है तो इसलिए फिर ट्रांसफ़र इनकम कहलाता है तो यहाँ पे जो आंसर है और एक और और करके यहाँ एग्जाम्पल दिया है एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द टू सेक्टर इकोनॉमी और आप दोनों में से एक का आंसर यहाँ पे दे सकते हैं तो यहाँ लिखा गया है नो सब्सिडी गिवन टू द प्रोड्यूसर शुड बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर पेमेंट यहाँ पे ये यह साफ कह दिया गया है जो सब्सिडी है वो ट्रांसफर पेमेंट नहीं कहलाएगा सब्सिडी आर गिवन टू रिड्यूस द मार्केट प्राइस ऑफ द सोशली डिजायरेबल गुड्स सच एज फर्टिलाइजर एल पी जी गैस सो डैट दे कैन बी एकड बाई द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इसको आप बिल्कुल uh, ट्रांसफर पेमेंट नहीं कर सकते सब्सिडी क्योंकि ये बस बिल्कुल इसलिए दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि जो uh, फार्मर के द्वारा जो फर्टिलाइजर या गैस या एल पी जी जो भी यूज किया जाता है लोगों के द्वारा वो उसका दाम कम पड़े ट्रांसफर पेमेंट ऑन द अदर हैंड गिवेन टू द फुलफिल द सोशल ऑब्जेक्टिव यह सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए दिया जाता है एग्जाम्पल हो गया जैसे ओल्ड एक्सपेंसन या इन अनएम्प्लॉयमेंट एलिमेंट्स इसके एग्जाम्पल हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की अगर हम बात करें टू सेक्टर में तो यहाँ पे दो तरह का सेक्टर होता है जिसमें पहला होता है हाउस होल्ड सेक्टर दूसरा होता है फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज देता है फर्म को मतलब फैक्टर सर्विस मतलब लैंड लेबर कैपिटल ये सब चीज़ें देता है ताकि फर्म गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर सकें फर्म उसके बदले में फैक्टर गुड एंड सर्विस देता है हाउस होल्ड को जैसे कि हाउस होल्ड ने दिया लैंड लेबर ये सब चीज़ें तो फर्म उसके बदले में उसको गुड एंड सर्विस बना के देता है जब हाउस होल्ड सेक्टर बिल्कुल पेमेंट करता है गुड एंड सर्विस के लिए जब ये इसको गुड एंड सर्विस देता है तो इसको पेमेंट करता है और साथ में जब आपका फैक्टर सर्विस देता है हाउस होल्ड तो फर्म उसको फैक्टर पेमेंट करता है और जब गुड एंड सर्विस देता है फर्म तो उसको वो एक्सपेंडिचर पेमेंट करता है तो इस प्रकार से ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में दिखाया जाता है थैंक यू वी डिस्कस मोर अबाउट दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थैंक यू